पैसा का स्टॉक एक साल पहले था ये, और एक साल में डबल करने वाला ये स्टॉक जो आपको GMR इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर पहले इसका नाम था GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और शायद ही किसी को नहीं मालूम होगा जो मैं लगातार आपको मैं बोलता रहा हूँ GMR 75 एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका, जिसमें से 40 एयरपोर्ट बन चुके, किसी को 75% बन चुका और कोई 10% अभी बने हों, टोटल मिलाकर लगभग 250 से ज़्यादा एयरपोर्ट की रख रखाव मेंटेनेंस के लिए इसकी ज़िम्मेदारी है दोस्तों। और इसी के साथ एक और स्टॉक है GBK पावर, पैनी स्टॉक 2 रुपया के आसपास का स्टॉक था, तब से बताने आ रहे, उसको जाकर देख लीजिए। चलिए, तो GMR एयरपोर्ट की तरह जो और स्टॉक हैं उसकी भी चर्चा कर लिया जाए। पहली बार आए दोस्तों हमारे चैनल पर तो ज़रूर आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 21 साल का हुआ और जियो फाइनेंस 21 दिन का होने दीजिए, फिर इसकी चर्चा हम करेंगे। बजाज फाइनेंस में 21 साल पहले क्या हुआ था जो आज जियो के साथ जो हो रहा है, और 11 करोड़ जो शेयर था कल तक, आज 5 लाख शेयर बच गया जियो फाइनेंस में क्यों। और एक कहावत है कि जब शेर पीछे हटता तो समझ लेना कि अटैक बहुत बड़ा है, शिकार 100% होगा। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस जस्ट इसके पीछे है। चलिए शुरू करते हैं, हम उस स्टॉक को बिना मुर्गी के सोने का अंडा देने वाले ये स्टॉक जो आज आपको लेकर आए हैं, और इसमें से सबसे पहला स्टॉक है GMR एयरपोर्ट, खरीद कर रख लेना दोस्तों जी, खरीद कर रख लेना कम से कम 5 साल। अडानी पावर खरीद कर रख लेना 5 साल, और अडानी पोर्ट, ठीक है, ये अडानी के 3 स्टॉक रख लेना। अब आ जाइए दोस्तों, इंट्राडे में कमाई करने के लिए और फ्यूचर में बाई करने के लिए और ऑप्शन के पुट में कॉल बाई करने के लिए, दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब कि 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी रखना है रख लीजिए। टाटा मोटर, इंडसइंड बैंक, सिटी यूनियन बैंक और महिंद्रा फाइनेंस, जिम्मेदारी हमारी है। चलिए दोस्तों देखते हैं, और इसमें अब देखिए, संसद भवन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था सरकारी कंपनियां और नवरत्ना कंपनियां, मिनी नवरत्ना, महानवरत्ना, जितने भी नवरत्ना 14, 11, 23, 25, 26 स्टॉक है उसको रख लेना। बैंकों को, जितने भी प्राइवेट बैंक है, छोटे छोटे बैंक, और अब आ रहा है समय जितने भी छोटे बैंक प्राइवेट हैं और जो जितने भी, इसलिए कि होनहार वीरवान के होते चिकने पात और पहले ही पता चल जाता है, और ये एक साल से पता चल रहा है कि कितनी तेज़ी से भागा है जितने भी स्टॉक है। जब से हम चैनल बनाए तब से तो हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में कमाई की बाढ़ आ गई दोस्तों, तो क्या एक तमाई थमेगी, छोड़िए थमेगी कि क्या होगी उससे नहीं, रिस्क विदाउट रिस्क नो प्रॉफिट एनी बिजनेस एनी रिज़न। चलो चलिए दोस्तों, उठा कर रख लीजिए, अभी भी सस्ता है, मिट्टी से भी सस्ता कचड़े के भाव में है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिट्टी से भी सस्ता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मिट्टी से भी सस्ता है गेल, और मिट्टी से भी सस्ता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और मिट्टी से भी सस्ता है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, और मिट्टी से भी सस्ता है इरकॉन इंटरनेशनल, और कोप्रान तो मिट्टी से भी कचड़े के भाव में अभी है। दूसरी तरफ चंद्रयान 3 में अपना सहयोग योगदान देने वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उसको भी अपने रडार पर रखिए, और इसमें 100 रुपये के आसपास ये था, ये आज से हमने शुरू किया है, वालचंद नगर इंडिया लिमिटेड, ये 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास ये स्टॉक है, इसको रडार पे अपने रख लेना दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब इधर आ जाइए, भारत सरकार और प्राइवेट डिफेंस सेक्टर, ऑटो सेक्टर और चंद्रयान मिशन में शामिल होने वाले, अगर आपको और 3 साल के बाद देखना है भारत की स्थिति या भारत की रणनीति, तो
स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप जान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आपको शुरू करते हैं पिंक से ताकि खुशियाँ की बहार आए। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नैनो यूरिया का नाम सुने होंगे दोस्तों। नैनो यूरिया जो 50 किलो की बोरी आती थी पहले यूरिया की, अब एक लीटर में बोतल में आ रहा है। और दूसरी तरफ ड्रोन सेक्टर में भी ये ड्रोन से छिड़काव होगा, किसानों की बचत, टाइम का बचत, प्रोडक्शन ज़्यादा और निर्यात ज़्यादा। जो पहले हम दुनिया में नंबर एक निर्यातक थे, अब फिर बनना शुरू हो गए हैं। सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वो झूठ नहीं, सत्य था। आज भी ये सोने की चिड़िया, लेकिन सोने की चिड़िया कहाँ है, सिर्फ भारतीय हम जानते हैं, 140 करोड़ लोग। चलिए, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गुजरात नर्मदा वैली GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, और BEML ये भी एक मिशन में शामिल था, प्लस रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का। बहुत बड़ा स्टॉक है, पैसा ज़्यादा है लेकिन आपको मिट्टी से भी सस्ता है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की तैयारी 65 रुपये की है, और जैसे ही ये 70,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा देखता है। रेल विकास निगम लिमिटेड और टाटा एलेक्सी की बात तो याद ही होगा दोस्तों, 10,000 में जो प्रॉफिट बुक करके निकले थे। और फिर ये टाटा एलेक्सी जो है, देश का ही नहीं पूरी दुनिया का ये स्टॉक है टाटा एलेक्सी, जो टाटा ने दिया है वो कोई दुनिया में कोई नहीं दे सकता, और ना भारत की कोई कंपनी दे सकती है। और नहीं जानते तो जान लीजिए, टाटा देने जा रहा है हमको और आपको देश का पहला, जैसे दुनिया का पहला Chandrayaan-3 बन गया, उसी तरह देश का पहला बन जाएगा टाटा। अभी जो कहने वाले सुन लीजिए, कान सुनकर धीन से ध्यान से सुनिएगा, देश में पहला और भारत के लिए, लोगों के लिए खुशखबरी, तब आप जान जाएंगे कि टाटा क्या करता है हमारे देश के लिए। टाटा देश को दे रहा है, देश को दे रहा है पहला टाटा आईफोन, जिसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है बेंगलोर में, जहां इसरो है उसी के बगल में। और ये टाटा का बहुत जल्द आने वाला है हमारे हाथों में, आपके हाथों में टाटा आईफोन दोस्तों, दुनिया का सबसे सस्ता आईफोन। चलिए, उसके साथ एग्रीमेंट भी हो चुका है। तो टाटा एलेक्सी की बात हो रही थी, ये भी चंद्रयान में बहुत बड़ा इसका। BEL की बात जानते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी एक, और इसके बारे में HL 840 रुपये था, तब से हम बोल रहे हैं, जबकि इसरो का और ये चंद्रयान का कोई अभी नाम जानता था मिशन, लेकिन एक हर आदमी के जहन में, जहाँ तक यहाँ तक कि 5 साल से लेकर सभी बुढ़ों 95 साल वालों को भी चंद्रयान का न्यूज़ मालूम है। उसी तरह HL की बात कर रहा हूँ, उस समय 840 रुपये का स्टॉक था, तब हम कहे थे कि उठा लो माल 15 अगस्त से पहले 2021 में, और देख लीजिए आज 4,000 के पार भी चला गया दोस्तों, कम से कम 500% का, 500% ने 8/45, हाँ 500% का प्रॉफिट लगभग दे दिया, 5 गुना कर दिया। उसी तरह मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी भी मिट्टी, ये जितने भी स्टॉक देख रहे हैं मिट्टी से भी सस्ता कचड़े के भाव में है, और आपको सिर्फ 1 महीने के बाद पता चलेगा। तो चलिए, BEL की बात हो गई, HL की बात हो गई, भारत डायनेमिक लिमिटेड, विप्रो इंडिया की बात जानते हैं सभी लोग, फर्स्ट सोर्स IT सेक्टर, RK फॉर्गिंग्स एंड MM फॉर्गिंग्स के बाद सोना BLW प्रेसिस्टेंस फॉर्गिंग्स, ये भी छोड़ना नहीं दोस्तों, अगर छोड़ोगे तो पछताओगे। और पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तभी सभी दोस्तों को आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई हियरेस्ट फ्रेंड, सभी दोस्तों को स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पर जब आए हैं तो आपको मैं बता दूं, कल का इंट्राडे स्टॉक
पहला L&T, दूसरा SBI कार्ड, और तीसरा टाटा एलेक्सी, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोप्रान के साथ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गति और टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा लाइफ साइंसेज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एंड महिंद्रा लाइफ स्पेस जी, और सिटी यूनियन बैंक के साथ GTL और GMR एयरपोर्ट इन के साथ STL टेक छोड़ना नहीं। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा भी कुछ लोगों का साथ